स्वागत है दोस्तों रेल फ्रेंड्स आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अबाउट दी 2 न्यू अपडेट्स के बारे में। जी हां, तो 2 नए अपडेट्स लेके आया हूं आप लोगों के बीच और बहुत दिनों के बाद, एक्चुअली लगभग 1 महीने के बाद मेरा जो कि आप लोगों को फेस दिख रहा है रेल फ्रेंड्स आसाम यूट्यूब चैनल पर, तो इसका कारण सिर्फ दोस्तों एक ही है जो कि मेरा एल्डर सिस्टर का, एक्चुअली जी हाँ तो एल्डर सिस्टर का मेरा मैरिज था और उसी कारण जो कि है जनवरी मंथ में वीडियोस वगैरह नहीं आ रहा था। जो मैं जब जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने सिर्फ जो कि है जनवरी के 8 या 9 जनवरी में लास्ट वीडियो एक्चुअली अपलोड किया था शायद, और जो कि उसके बाद है तो बीच में अभी 11 डेज पहले मैंने एक शॉर्ट जो कि है एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। और अभी एक जो कि मेन टॉपिक, जी हाँ, जो कि आज अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो ये है एक्चुअली जनवरी मंथ का ही अपडेट है दोस्तों, दोनों अपडेट्स ही। तो एक है इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट और दूसरा है जो कि दोस्तों अबाउट सिक्किम रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में है। तो 31 जनवरी तक जो कुछ भी प्रोग्रेस हुआ जनवरी मंथ का, जो कि जो कुछ भी एक्चुअली प्रोग्रेसिंग है सिक्किम रेलवे प्रोजेक्ट का, तो उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो पर। और साथ ही जो कि बहुत लोग अभी बोलेंगे कि ये अपडेट पुराना हो चुका है, जी हाँ ये सही में पुराना हो चुका है दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट ऑफ हाइबरगांव टू मोइराबारी। जी हाँ, तो ये अपडेट जो कि है मिस हो गया था, बट मैं फिर भी देना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को। तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे जो कि कोर की तरफ से उसी दिन जो कि 30 जनवरी में ये एक्चुअली जो कि इंस्पेक्शन, एक्चुअली जो कि ट्रायल आप लोग बोल सकते हैं, जो कि PCWE के द्वारा ये इंस्पेक्शन किया गया था ऑन 30 जनवरी 2023 में। तो अभी जो कि है ग्रीन सिग्नल मिल चुका है हाइबरगांव और मोइराबारी के बीच में, जो कि इसका 110 kmph, जी हाँ तो 110 kmph स्पीड में जो कि है इंस्पेक्शन हुआ इस सेक्शन में, जो कि स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन ऑफ आरई वर्क्स फॉलोड बाय स्पीड ट्रायल एट फुल सेक्शनल स्पीड 110 kmph इन हाइबरगांव टू मोइराबारी 43.8 rkm, जो कि रेलवे किलोमीटर, जी हाँ तो रेलवे रूट का जो कि किलोमीटर है। तो ये सेक्शन 43.8 किलोमीटर का जो कि सेक्शन में इंस्पेक्शन वगैरह हो चुका है। और उसी के साथ साथ जो कि ये सेक्शन है तो लुमनिंग डिवीजन के अंदर में आता है ये सेक्शन। तो पहले जो कि सापरमुख से तिल सिलघाट हो या जो कि सैमस्वा तक हो इंस्पेक्शन वगैरह, या हाइबरगांव तक हो तो हो चुका है। अभी इलेक्ट्रीफाइड जो कि आप लोग बोल सकते हैं तिल मोइराबारी, जी हाँ तो आप तिल अभी हाइबरगांव से मोइराबारी तक भी जो कि है फुल इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। और यही है इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत पिक्चर्स दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा क्योंकि ये अपडेट पुराना ही हो चुका है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को देना चाहा। और अभी सेकंड अपडेट की तरफ आते हैं अबाउट सिक्किम रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि मेन एक्चुअली अपडेट है आज का, आज के इस वीडियो का। तो टिल 31 जनवरी, तो ये 7 डेज पहले का एक एक्चुअली अपडेट है। तो 7 डेज पहले ही ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के ट्विटर अकाउंट पर पब्लिश हुआ था और आज जो कि है मैं आप लोगों तक ये पहुंचा रहा हूं ये अपडेट। तो 31 जनवरी तक जो कि जो कुछ भी एक्चुअली फिजिकल प्रोग्रेस है इस प्रोजेक्ट का, तो 51.1% जो कि है ओवरऑल फिजिकल प्रोग्रेस है। और जिसमें से जो कि है टनलिंग का जो कि है वर्क, जी हाँ टनल माइनिंग वर्क जो कि है 26.32 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद पाइलिंग वर्क जो कि है 19,891 मीटर का जो कि पाइलिंग वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। देन पियर वर्क या पिलर आप लोग बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग की भाषा में पियर बोला जाता है दोस्तों, तो इसीलिए जो कि पियर वर्क है 493 मीटर का पियर वर्क भी हो चुका है। देन आर्ट वर्क 4.5 का जो कि है आर्ट वर्क भी हो चुका है दोस्तों। एंड साथ ही दोस्तों माइनर ब्रिज, तो 5 माइनर ब्रिजेस का भी काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप लोग को मैं ऑन स्क्रीन दिखाना चाहूँगा, जो कुछ भी डाटा मेरे पास अवेलेबल है तो ऑन स्क्रीन में आप लोगों तक दिखाना चाहूँगा, फोटोज़ वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से। तो यही है अबाउट द सिवक टू रंगपो जो कि न्यू बिजी रेल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, जो कुछ भी प्रोग्रेसिंग है ओवरऑल प्रोग्रेसिंग टिल 31 जनवरी 2023। तो जानकर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए दोस्तों, बिल्कुल अपना फीडबैक देना मत भूलिए, तो फीडबैक दीजिए दोस्तों। और साथ ही इस चैनल को जो कोई भी नया जो कि व्यूअर देख रहा है इस चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स अपलोड होता रहता है इस चैनल पर। और लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है तो दोस्तों लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और आज की इस वीडियो पर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दूसरे अपडेट पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।